मारुति सुजुकी इन्विक्टो कल इंडिया में लॉन्च होने जा रही है, यानी कि 5 जुलाई 2023। आज हम इस वीडियो में फुल डिटेल में बात करेंगे कि आखिर आपको मारुति इन्विक्टो में एक्सटीरियर लुक्स एंड फीचर्स क्या देखने को मिलेगी, उसके साथ इंटीरियर फीचर्स एंड ये गाड़ी में आपको थोड़े बहुत फीचर्स कम देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस, वो भी आज हम इस वीडियो में फुल डिटेल में बात करेंगे, इंक्लूडिंग इट सेफ्टी एंड इंजन। सो मेरी वीडियो ध्यान से देखना ताकि आप कोई भी डिटेल स्किप ना कर पाएं। उससे पहले मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पड़ी रहती है दैट विल हेल्प यू टू बाई राइट कार अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। तो यहाँ पर करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं मारुति इन्विक्टो के एक्सटीरियर लुक्स की। बेसिकली जैसा कि आप सामने देख ही पा रहे हैं, इस गाड़ी में आपको सेम टाइप ऑफ LED लाइट्स देखने को मिलेगी एज टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस, पर आपको ग्रिल मॉडिफाइड देखने को मिलेगी इंक्लूडिंग बम्पर। साइड लुक की बात करें, साइड में मेजर डिफरेंस नहीं है, आपको सेम डोर्स देखने को मिलेंगे, पर आपको इन्विक्टो में डिफरेंट टाइप ऑफ डायमंड कट अलॉय व्हील्स प्रोवाइड किए जाएंगे मारुति स्टाइल में। रियर प्रोफाइल में कोई भी डिफरेंस नहीं होने वाला, बस लोगों का डिफरेंस होने वाला है, आपको टोयोटा की जगह मारुति का लोगो देखने को मिलेगा। बाकी आपको बिल्कुल सेम टाइप ऑफ LED टेल लैंप्स प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड अगर बात करें रूफ की, रूफ में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, आपको इन्विक्टो में भी फुल पैनोरामिक सनरूफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा विद चाकविन एंटीना एंड रूफ रेल्स। इंटीरियर वाइज आपको मारुति इन्विक्टो का इंटीरियर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। पहला डिफरेंस ये है कि इस गाड़ी में आपको थोड़ा ब्लैकिश थीम का इंटीरियर देखने को मिलेगा। उसके साथ अगर आप इसका स्टेयरिंग व्हील देखेंगे, वहाँ पे आपको मारुति का लोगो देखने को मिलेगा। बाकी आपको इस गाड़ी में भी सेम फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद 10-inch इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, एंड आपको बाकी सब फीचर्स भी देखने को मिलेंगे, पर आपको मारुति इन्विक्टो में प्रीमियम JBL म्यूजिक सिस्टम एंड मेमोरी फंक्शन इन इलेक्ट्रिक सीट, उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट जैसे फीचर्स नहीं देखने को मिलेंगे। यानी कि थोड़े बहुत प्रीमियम फीचर्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे मारुति इन्विक्टो में, जिससे कि इस गाड़ी में थोड़ी कॉस्ट कटिंग हो पाएगी। बाकी आपको ओवरऑल सीट्स का कंफर्ट सेम देखने को मिलेगा एज टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस। सेफ्टी में आपको मारुति इन्विक्टो में 6 एयरबैग्स, ABS/ABD, हिल असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे ढेर सारे एडवांस सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, पर आपको मारुति इन्विक्टो में अडास का कोई भी फीचर नहीं देखने को मिलेगा। सो आपको मारुति इन्विक्टो में अडास नहीं देखने को मिलेगा, ये कन्फर्म है, पर ये फीचर आपको टॉप एंड वेरिएंट्स में देखने को मिल जाता है टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस के। इंजन वाइज आपको मारुति इन्विक्टो में एक 2.0 लीटर का पेट्रोल प्लस हाइब्रिड इंजन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें आपको बैटरीज एंड मोटर का सेटअप देखने को मिलेगा। यानी कि आपको मारुति इन्विक्टो में हाइब्रिड का ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, सेम आपको टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस वाला इंजन देखने को मिलेगा। यानी कि इंजन वाइज आपको टोयोटा इनोवा हाइब्रिड एंड मारुति इन्विक्टो हाइब्रिड के इंजन में कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, पर यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है। जैसे कि आपको टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस एक नॉर्मल पेट्रोल इंजन में भी प्रोवाइड कर दी जाती है, पर ऐसा आपको कोई भी ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा इन्विक्टो में। इन्विक्टो आपको सिर्फ एंड सिर्फ हाइब्रिड इंजन ऑप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी विद टोयोटा इंजन। ये गाड़ी 5 जुलाई 2023 यानी कि कल की डेट में 100% लॉन्च हो जाएगी, एंड आने वाले टाइम पे मेरे इस चैनल पे कंपैरिजन आने वाले हैं बिटवीन मारुति इन्विक्टो एंड डिफरेंट SUVs जैसे कि महिंद्रा XUV700, टाटा सफारी एंड टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस। उनको देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल भी विजिट कर सकते हैं। सो टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, एंड जाते जाते मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाना। सो टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, एंड हैव अ नाइस डे।